अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम साद असद है, पूरा नाम तो मोहम्मद सादुल्लाह असद, काफ़ी लंबा है तो आप लोग बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साद असद बस सिंपल। मैं 21 साल का हूँ और मैं जद्दा में रहता हूँ। जद्दा एक शहर है जो सऊदी अरेबिया में, जिनको नहीं पता तो ये एक तरीके से मेरी तीसरी और पहली व्लॉग है। तीसरी इस तरीके से क्योंकि ये तीसरी वीडियो है, पहली इस वजह से क्योंकि ये पहली उर्दू में ब्लॉग है, तो ये तीसरी वीडियो है टेक्निकली और पहली वीडियो उर्दू में। तो मसला ये हुआ था कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, हर कोई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लिखता है कि हम इस साल ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे, लेकिन करते बहुत कम है। तो मेरा भी कुछ इसी हिसाब का था, मैंने लिखा कि इस साल ब्लॉग स्टार्ट करना है। और काफ़ी और काम भी करने हैं, फिर वो ब्लॉग जून में जाके स्टार्ट हुआ बड़ी मुश्किल से, अल्लाह अल्लाह करके। एक यूट्यूबर है हिशाम अल हादी, ये इसको मैं कम से कम 2012 से जानता हूँ मैं, और ये बेसिकली डॉक्टर फरहत हाशमी का आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, वो पाकिस्तान की बहुत मशहूर इस्लामिक स्कॉलर है, ये उनका बेटा है। तो इससे मुलाकात मेरी 2012 में हुई थी, जब से वीडियो वगैरह बनी फिर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर ब्लॉग्स में आके। तो 2016 में उसने व्लॉग स्टार्ट करा था और 2017 में जो है वो व्लॉग्स में कंसिस्टेंटली बनाना शुरू हो गया था। उससे मैं बड़ा इंस्पायर था, उसके व्लॉग्स में बड़े अच्छे लगते थे उसके। तो उसका भी केसी नाइट स्टाइल का था, केसी नाइट स्टाइल को मैं इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे हिशाम अल हादी का स्टाइल अच्छा लगा और फिर मुझे पता चला वो केसी नाइट स्टाइल की कॉपी कर रहा था, फिर तो केसी नाइट स्टाइल का तो खैर। फिर मैंने बोला मैं इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊँगा, तो फिर मैंने June 12 को जब मैं कराची से जद्दा आ रहा था, तो फिर मैंने बोला आज मैं ब्लॉग कुछ भी हो जाए आज मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड करना ही करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर जब यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग यहाँ पे एडिट करके फिर अपलोड कर दूंगा, लेकिन कुछ और ही मसला हो गया। मसला ये हुआ कि लैपटॉप मेरा कोई हाई फाई किस्म का तो है नहीं, और बेचारी की उसकी गर्दन भी टूटी, वो भी बताऊँगा उसका क्या मसला है, गर्दन कैसी टूटी, गर्दन से मुराद मेरी क्या है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कैमटेजिया, मैंने उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करा, उस पर एडिटिंग करी। एडिटिंग करते हुए 2 बार कंप्यूटर हैंग हो गया, उसको रिस्टार्ट करा, फिर 3री बार मैंने थोड़ी सी फुटेज डाली, उसको फिर एडिट करा, और इतनी बड़ी स्क्रीन वीडियो में, उसमें इतना बड़ा कैमटेजिया का वाटरमार्क, तो फिर तो भूल जाओ, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते अनलेस आप $200 या मेरे खास ऐसी कुछ पैसे थे वो आप पे करो, और मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं पे करूँ, सिंपल एज दैट। फिर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ऐड देखा फिल्म हो रहा, तो वो डाउनलोड करा, वो अच्छा था, लेकिन वही बात है कंप्यूटर मेरा इतना ख़ास था नहीं कि एडिट कर पाया, उसमें भी वो कंप्यूटर हैंग हो गया। फिर मैंने बोला क्या करें भाई, अब DSLR से तो कर नहीं सकते। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं iPhone से करता हूँ। ये मसला करते करते जुलाई स्टार्ट हो चुका था, तो अब जुलाई में मैंने बोला ज़रा देख लेते पाकिस्तानी ब्लॉगर का क्या मसला है, मसले से मुराद पाकिस्तानी ब्लॉगर का क्या ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, कितने हैं। तो फिर वहाँ पे वीडियो दिखा Top 10 ब्लॉगर्स टू फॉलो इन 2017, इस तरीके का कोई टाइटल था, मेरे ख्याल हसन ब्लॉग्स था कोई था, उन्होंने अच्छी वीडियो बनाई थी। तो उसमें Top 10 ब्लॉगर्स जो हैं पाकिस्तान से, उनको मेंशन करा, उसमें फर्स्ट में थे इरफान जुनेजो साहब, जुनेजो अच्छा, तो उनकी भी ब्लॉग मैंने देखी, उनकी भी बिल्कुल सिमिलर थी हिशाम अल हादी टाइप की, क्योंकि वो भी केसी नाइस्टैट को वो यानी फॉलोअप कर रहे थे, क्योंकि केसी नाइस्टैट से मेरे भी केसी नाइस्टैट स्टाइल का मैं ट्राई करूँगा, मुश्किल ही है वैसे स्टाइल का वो करूँगा। तो उनका भी ब्लॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो हिशाम अल हादी और केसी नाइस्टैट दोनों से मिलते जुलते थे, क्योंकि हिशाम अल हादी केसी नाइस्टैट को वो कर रहे थे, तो फिर ब्लॉग भी अच्छा लगा। फिर सबसे बड़ी बात वो उर्दू में भाई, वो तो फिर हमारी जो मदर टंग होती है उसमें फिर समझने की अलग ही बात होती है, इंग्लिश में भी समझ आती है, लेकिन जो बात अपनी ज़बान की होती है वो तो फिर अनलेस आप अमेरिका में पैदा हो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हो तो फिर अलग बात है। अब मैं फिर आ गया कन्फ्यूजन के दरमियान, कन्फ्यूजन के समंदर में मैं डूबते चले गया। मैंने बोला मैं उर्दू में बनाऊँ कि इंग्लिश में बनाऊँ, फिर मैंने बोला मैं किस वजह से ब्लॉग बना रहा हूँ उसकी रीज़न तो मैं बाद में बताऊँगा, तो फिर मुझे समझ आया उर्दू में करता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं इंग्लिश में करूँगा, इंग्लिश में ज़्यादा ऑडियंस की तरफ पहुँच सकता हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके पहली ब्लॉग इंग्लिश में मैंने बनाई, July 14 को मेरे ख्याल से मैंने अपलोड करी पहली ब्लॉग इंग्लिश में। अच्छा, तो वो फिर मैंने आईफोन में मैंने
करके एडिटिंग करके आई मूवी से सब अपलोड कर दी फाइनली। फिर थोड़े दिनों बाद फिर दूसरा ब्लॉग डाला। अब मसला ये आ रहा था कि दोनों की ना मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स देखने लगा, हिशाम अलहदी की इधर, इरफान जोनी जो की। हिशाम अलहदी की देखता तो मुझे दिल जाता इंग्लिश में ब्लॉग स्टार्ट करो, इरफान जोनी जो की देखता दिल जाता उर्दू में स्टार्ट करो। लेकिन फिर मैंने हिशाम अलहदी को मैसेज भेजा, उससे मैं मिला था मैं 1-2 महीने पहले मक्का में, तो फिर उसने भी बोला आप उर्दू में स्टार्ट करो। ये जून का महीना मेरे ख्याल से, जून या जुलाई की स्टार्टिंग मुझे याद नहीं। खैर तो उसने बोला कि आप उर्दू में स्टार्ट करो, तो फिर मेरे माइंड उस टाइम पे था कि नहीं इंग्लिश में करूँगा ज़्यादा ऑडियंस चाहिए फिर यू नो। हाँ लेकिन फिर फाइनली मैंने फिर ये डिसाइड करा कि उर्दू में सही है, क्योंकि इंग्लिश में बोल तो लूँगा लेकिन इतना फ्लुएंट नहीं हूँ मैं इंग्लिश में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्सेंट वाइज सारी चीज़ें, तो फिर वो करना मसला नहीं है, मैं करने को कर लूँगा। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाऊंगा। लेकिन मैं उर्दू में जो है ना, मेरे जो मेन जो वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो लोगों को एजुकेट करना है। किस बारे में वो मैं ज़रा बताऊँगा। वो तो फिर मैंने बोला उर्दू सही है। तो फाइनली ये थी स्टोरी, व्लॉग कैसे बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके स्टार्ट हुआ है मेरी मेरा व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ तो वही अपडेट ये है कि 3 बजे करीब मैंने व्लॉग जो रिकॉर्ड करा था इससे पहले का जो सीन है वो सारा रिकॉर्ड कर लिया था। अभी 8:25 हो रहे हैं, मैं अभी बस खाना खाऊंगा, शकरी नमाज पढ़ के सो जाऊंगा। आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी इस वजह से क्योंकि सुबह उठना है, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रात को लेट सोता हूँ तो सुबह को लेट उठता हूँ, जल्दी बहुत कम होता है कि मैं उठ पाऊँ, और अगर मैं सुबह को लेट उठता हूँ फिर रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो ये मेरा मसला है। तो सुबह को जल्दी उठना है क्योंकि काफ़ी काम करना है और रूटीन भी अपनी सेट करनी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक मैंने कुछ आप लोग को अपने बारे में बताया नहीं कि मैं करता क्या हूँ, मेरी रूटीन क्या है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी होगी, वो कल इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके सुन लेना, थोड़ी लंबी होगी, वो आपके लिए फ़ायदे फ़ायदे के लिए होगी, और आप लोग मेरे बारे में भी ज़्यादा जान पाएंगे। और हाँ यही सही है, तो फिर मिलते हैं फिर कल बड़ी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।